डंडों से पिटाई, थप्पड़ से गाल किए लाल, पैरों में बांधी रस्सी, इतने में भी मन नहीं भरा तो कुएं से लटकाया उल्टा। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें तालिबान या किसी कट्टरपंथी देश की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की है। मानवता को कलंकित करने वाली ये घटना देश की राजधानी से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर पड़ोसी राज्य हरियाणा से सामने आई है। समाज के तथाकथित ठेकेदार और मानवता के पैरोकार का दम भरने वाले लोगों के झुंड ने इन युवकों को महज इसलिए तालिबानी सजा दी क्योंकि पीड़ितों ने प्यास बुझाने के लिए मंदिर के बाहर लगे वाटर कूलर से पानी पीने की हिमाकत कर दी थी। युवकों को लगा कि भगवान के दर पर आने वाला कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। बस इसी भ्रम में इन्होंने मंदिर में लगे वाटर कूलर से पानी पीने की हिम्मत कर दी। युवकों की ये हरकत समाज के ठेकेदारों को हजम नहीं हो पाई और वो इन युवकों को सजा देने पर उतारू हो गए। फिर क्या था, गाली गलौज से शुरू हुआ तालिबानी सजा का सिलसिला थप्पड़ लात घूसों से लेकर उन पर डंडों से पिटाई तक बदस्तूर चलता रहा। युवक पिटते रहे, रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीचा। जी गाँव डाव डगड़ा का रहने वाला हूँ। जी मैं गाँव डाव डगड़ा से पैदल चला था, टंडेड़ी आते मंदिर डोरे पानी पिया था। सर मने मैं पसी डाल कर लिया बहादुरगढ़ के लिए, हमने जीजार के गाँव के घर के लिए। सर पेट्रोल पंप था, वहाँ से बैठा के लाए मैंने, ठीक से बिना काम बिना हो जाए, वहाँ से पकड़ के लाए मंदिर में लेकर आए। मंदिर पर लाते बिटर बारते मारन ला चालू कर दिया था हमने, ठीक से इतना बुंदा टॉर्चर करा सर जो सीआई वाला भी नहीं कर सकता। फिर उनने कुएं में पा बांध कर कुएं में लटका दिया मैं, ठीक से सर। उसके बाद छोड़ा उनने, फिर मैं मच्छी मार्केट में चला गया। लाठी डंडों से पिटाई की? हाँ लाठी डंडों से पिटाई की है जी। क्या कह रहे थे वो, किस लिए पिटा? उनने ये जी गुल्ला कोई और थारा था जी, मैं तो सीधा लग रहा था गल्ला पाड़ा मंदिर का, मंदिर का गल्ला पाड़ा है ऐसे बोला जी, मैं सीधा आ रहा था तो उनने एकदम वारदात कर दी मेरी गल्ला। पुलिस में शिकायत की आपने? शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी। अच्छा मेडिकल नहीं हुआ सर, तो इलाज के लिए हॉस्पिटल तो गए होंगे? गए थे, लेकिन सामने उन्होंने पुलिस केस को, सामने उन्होंने भी पुलिस केस के लिए बोला था। आज क्या हुआ? आज को 50-60 आदमी आए थे, आज के मैं 50-60 आदमी आए थे प्रधान जी, फैसले के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं हमारी गिला। हम फैसला नहीं करना चाहते जी, हमें इंसाफ चाहिए, हमने इंसाफ चाहिए। कानून क्या के लिए बनाया है तो इंसाफ, अमीर के बालक को तो मार दे तो इंसाफ मिल जाए, गरीब को मार दो तो इंसाफ नहीं। कोई कानून क्या के लिए बनाया, हमने अपना इंसाफ के लिए, हमने अपने इंसाफ के लिए करा सर। युवकों के साथ हुई दरिंदगी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पीड़ित युवकों के रिश्तेदार का कहना है कि पुलिस मामले में लापरवाही कर रही है। ये मेरे लिए घर से मेरे मिलने के लिए आने लग रहा था, मंदिर के पास आया, पकड़ ले गया, ले जाकर मंदिर में खूब पिटाई की, बहुत मारा है, कुएं में लटका दिया, और उसके बाद बोला अगर तुम यहाँ भी दिख गया तो जीता मार देंगे। अब पुलिस कार्रवाई की, कुछ भी हो गया तो मासे बुरा कोई नहीं हुआ जी। हमने पुलिस केस भी कराया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है अब तक, मेरा साल का नहीं तो कोई मेडिकल हुआ है नहीं कुछ। आज भी 50-60 बंदे आए थे लेके गाँव से, बोले भाई फैसला कर देंगे तो अच्छी बात नहीं है, आगे तक की बार किसी बंद की है। कब का ये मामला? ये मामला जी 11 तक का जी। तो पुलिस में कब गए थे आप? पुलिस में जी मैं कल गया था। क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वालों से तो उन्होंने टू पे फोन किया था परसों रात को, उन्होंने थाने का नंबर दिया आयोग का, रात को गए पेपर सुबह हम, उन्होंने कही भाई कल आ जाना, मैं फिलहाल जा रहा हूँ कोर्ट में काम, कोर्ट का काम होते हुए तो फिर के बाद आऊँगा, फिर तुम्हें तो फोन करके बुला लूँगा। कल हम गए आयोग अपना खुद होकर लगे भाई फैसला कर लो, अच्छी बात नहीं है, हम एसी वेसी से आइए, फिर भी जाट वाई है कुछ नहीं है, फिर मरते ही बात होकर फैसला करने में फायदा है। अब क्या चाहते हैं, क्या मांग? सब चीज़ें। कितने आदमी थे वहाँ पे जिन्होंने हरकत की? उन्होंने ये 5-6 बंदे ये मारने वाले, आज कल 50-60 आदमी आए थे घर पे पंचायत लेके, उन्होंने अच्छी बात नहीं है भाई, आगे तक की फेवर किसी बंद की पंचायत टांडाड़ी गांव से।
ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसने लोगों को इस कदर मामूली बात पर युवकों को पीटने की इजाजत दी? क्या सिर्फ मंदिर से पानी पीने पर इस कदर बेरहमी से किसी को पीटा जा सकता है? क्या समाज के लोगों को एकजुट होकर ऐसी उन्मादी भीड़ के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? इस घटना ने समाज और कानून पर एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट।